Hello everyone, welcome back to my channel Jo Magic Tarot. I hope you all are doing good. आज मैं एक वीडियो बनाने जा रही हूँ आप लोगों के लिए जिसमें हम देखेंगे कि what they wanted to say to you, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, ठीक है? So let's see, यहाँ पे 4 पाइल्स हैं जैसे आप देख सकते हो, ठीक है? आप इनमें से मेडिटेट कीजिए, आपको जो भी अच्छा लगता है आप चूज कर सकते हो. द फर्स्ट पाइल इज दिस स्माइली, रेड कलर स्माइली, ओके. द सेकेंड वन इज द ब्लू हार्ट, थर्ड वन इज द स्टार, फोर्थ वन इज द स्टम्प एक्चुअली, ठीक है, क्रिकेट स्टम्प. तो आपको जो भी इसमें से कलर बहुत अट्रैक्टिव लगता है आप उसको चूज कीजिए. और मैंने आपके चार्म्स पहले से ही निकाल के रखे हैं, बिकॉज गाइस मेरे फ़ोन में इतना स्पेस नहीं होता, तो मैंने पहले से ही चार्म्स निकाल के रखे हुए हैं. तो हम लोग चार्म्स भी देखेंगे और वो आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं. आपका क्रश हो सकता है, आप किसी पे क्रश कर रहे हो, या फिर आपका आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो, या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो, उनके बारे में है ये, ओके. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड प्रेस ऑन द बेल बटन प्लीज़, ओके. थैंक यू सो मच. लेट्स हेड्स अप विद पाइल नंबर 1. हाई, वेलकम बैक पाइल नंबर 1. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. जिन्होंने भी ये रेड कलर का स्माइली चूज़ किया, ये डिनोट करता है कि वो आपको हमेशा हंसते हुए देखना चाहते हैं. दे वॉन्ट टू सी यू हैप्पी, दे वॉन्ट टू सी यू स्माइलिंग, हमेशा हंसते हुए, ओके. वेर एवर यू आर, कहाँ पर भी हो, जहाँ पर भी हो, आप कितने भी दूर हो, आपको वो हंसते हुए देखना चाहते हैं, ओके. एंड आपका जो कार्ड है वो है लवर्स, ओके. ओके, वेरी गुड कार्ड. आपका कार्ड जो है वो बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, ठीक है. आपका सनसाइन जेमिनी हो सकता है, उनका सनसाइन जेमिनी हो सकता है, ओके. एंड वो आपको क्या बताना चाहते हैं, व्हाट दे वांटेड टू से. वो ये बताना चाहते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो ये बताना चाहते हैं दैट दे लव यू, दैट दे लव यू सो सो मच, ओके. वाई बिकॉज, वाई बिकॉज, बिकॉज आपके पास लवर्स कार्ड है. दिस इज़ अ डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन. भगवान ने बना के भेजा है ये कार्ड, भगवान ने बना के भेजा है ये रिश्ता, ठीक है. अगर आप इन दोनों को देख सकते हैं, इनके ऊपर एक यू नो ऑल गॉड है, तो उन्होंने बना के भेजा, ऑलमाइटी ने बना के भेजा है ये रिश्ता, ओके. सो सेकेंडली, उनको ऐसा लगता है कि आप उनके सनशाइन हो, ठीक है. अगर आप बैक्स ग्राउंड में देख सकते हैं, यहाँ पे सन है पीछे, देयर इज सन, ओके. आप उनके सनशाइन हो, आपके साथ जब वो होते हैं दे फील वेरी हैप्पी, दे वांटेड टू से दैट, ओके. वो ये बोलना चाहते हैं कि वो बहुत खुश होते हैं आपके साथ, उनका जो डे होता है वो बहुत ब्यूटिफुल होता है आपके साथ, ठीक है. एंड वॉट, आपके साथ वो एक यूनियन में आना चाहते हैं. अगर आप क्रशिंग ऑन कर रहे हैं उनके ऊपर, वो आपके साथ एक यूनियन में आना चाहते हैं, ठीक है. अगर आप क्रशिंग ऑन नहीं कर रहे हो, ठीक है, अगर आप एक रिलेशनशिप में हो या एक रिलेशनशिप में अभी बात नहीं हो पा रही आपकी, ठीक है, तो वो ये कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ एक यूनियन में, बॉन्ड में आना चाहते हैं, एक अलाइनमेंट में आना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है. आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, वो भगवान ने बना के भेजा है, ठीक है, उसको कोई नहीं तोड़ सकता. ऑलराइट, एंड व्हाट, वो ब्लश करते हैं, दे ब्लश जब भी आप उनके सामने आ जाते हो, यू नो, कभी आपकी पिक्चर्स आप उनके सामने आ जाती है तो वो ब्लश करने लग जाते हैं, बहुत खुश होते हैं वो आपको देख के. दे फील हैप्पी, यू आर लाइक अ होम टू देम, आप उनके घर की तरह हो, ठीक है, जहाँ पे बहुत पीस है, कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कोई मटेरियलिस्टिक थिंग्स नहीं, बिल्कुल एकदम पीसफुल, ओके, बिल्कुल पीसफुल, ओके. एंड व्हाट, दे वांटेड टू सी दैट यू यू आर द क्यूटेस्ट थिंग एवर हैपेंड टू देम, ठीक है, आप बहुत क्यूट हैं, ओके, यू वेरी क्यूट, यू आर वेरी स्वीट, एंड बहुत ही सिंपल हो आप, ओके. एंड दे फील, यू नो, दे डोंट फील गुड, दे डोंट फील गुड वेन यू आर नॉट विद देम, अगर आप उनके साथ नहीं होते, हो सकता है आपके फ्रेंड हो ये, ठीक है, दैट्स पॉसिबल. आप
जब नहीं होते उनके साथ वो उनको अच्छा नहीं लगता वो दिन, ठीक है, दे मिस यू, वो आपको मिस करते हैं जब आप उनके साथ नहीं होते हो, ओके सो और अगर आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो सकता है कि वो थोड़ा सा फार अवे रहते हों आपके साथ, आपसे हो सकता है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, ठीक है, हो सकता है, दैट्स पॉसिबल, ठीक है, उनको फ्रूट्स खाने का बहुत शौक हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, दैट्स पॉसिबल, ओके ओके सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, ये आपके बारे में ये सब सोचते हैं, उनका सनसाइन मैंने आपको बता दिया, जेमिनाई हो सकता है, आपका सनसाइन जेमिनाई हो सकता है, ठीक है, एंड वॉट रेड कलर उनको बहुत पसंद होगा, दैट्स पॉसिबल, रेड कलर इज देयर फेवरेट, लेट्स मूव अहेड विद द चार्म्स, ऑरेंज कलर उनका फेवरेट हो सकता है, ठीक है, आपका कलर, आपको ऑरेंज कलर बहुत पसंद होगा, ठीक है, ट्वेंटी वन, आपका बर्थ डेट 21 को आ सकता है, 12, आपका बर्थडे 12 को आ सकता है, आपका बर्थडे दिसंबर में हो सकता है, उनका बर्थडे दिसंबर में हो सकता है, ओके लेट्स मूव अहेड, 5, आप मई में पैदा हुए होंगे, वो मई में पैदा हुए होंगे, ओके आपका बर्थडे 5th को आ सकता है, या आपका मंथ 5th को होगा, ठीक है, इस मंथ में आप पैदा होंगे, दैट्स पॉसिबल, स्टार, यू आर देयर स्टार, आप उनके स्टार हो, ओके उनको पता है और आप उनके स्टार हो, ओके बिकॉज यू मेक देम वेरी हैप्पी, क्राउन, क्राउन का मतलब होता है कि आप उनके क्वीन हो, दे सी यू एज द क्वीन एवरीथिंग, ओके नेक्स्ट, चलो पहले चार्म्स ही कर लेते हैं, उसके बाद देन वी विल मूव हैड विद द यू नो लेटर्स, उनका लेटर में नेम क्या क्या हो सकता है, की, ओके आपके हार्ट का की यू नो उनके पास है, दे वांट टू ओपन इट, वो की खोलना चाहते हैं एंड दे वांट टू स्टे देयर फॉर एवर, वो वहाँ पे रहना चाहते हैं हमेशा के लिए, यू नो मरते दम तक, ओके सो स्वीट, ओके ओके द नेक्स्ट इज अ पर्सन सिटिंग यू नो एक ट्री के नीचे एक बंदा बैठा हुआ है, समरी सिटिंग अंडर द ट्री, सो उनको ऐसा लग यू नो वो हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं, 24/7 यू आर ऑन देयर माइंड, यू आर देयर सोल मेट, दिस इज अ सोल मेट कनेक्शन, दिस कैन बी अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ठीक है, अगर पीछे देखो तो यहाँ पे फ्लेम्स हैं बहुत सारे, तो दिस कैन बी अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन एंड दिस कुड बी अ सोल मेट कनेक्शन, ठीक है, दे थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, ठीक है, जहाँ पे भी वो जाते हैं, वेर एवर दे गो, वेर एवर दे आर, यू नो दे थिंक अबाउट यू, सोचते रहते हैं आपके बारे में, यू नो आपके साथ जो पल उन्होंने बिताए, ठीक है, आपके साथ जो यू नो अच्छे अच्छा गुड टाइम्स बिताया उसके बारे में वो सोचते रहते हैं हमेशा, ठीक है, ओके दिस इज अ पेंडेंट, दे वॉन्ट टू गिफ्ट यू समथिंग, हो सकता है कि एक मंगल सूत्र हो, अ मैरिज हो, अ कमिटमेंट हो, अ एंगेजमेंट हो, ओके समथिंग लाइक दैट, दे वॉन्ट टू गिव यू अ पेंडेंट, ओके एक गिफ्ट करना चाहते हैं आप, यू मेक देम हैप्पी, क्लाउन फेस, ओके यू आर, हो सकता है आप मुंह बनाते हो बहुत सारे वीडियोस में, लाइव स्ट्रीम्स में, या फिर आप ऐसे एक्शंस करते हो, आप उनको हंसाते हो, आप बहुत खुश करते हो उनको, ठीक है, इट्स पॉसिबल, ओके व्हाट डिड आई से, मैंने पहले भी बोला था आप फार अवे रहते होंगे, हो सकता है दिस इज अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब होता है, हो सकता है आप इंडिया में ही रहते हो, डिफरेंट स्टेट में रहते हो सकता है कि आप डिफरेंट कंट्री में रहते हो, इट्स पॉसिबल, ओके सो वो आपसे फार अवे रहते हैं तो वो आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं, दे वांट टू ट्रैवल टुवर्ड्स यू, ओके सी अगेन, हो सकता है कि वो पेरिस से हो, दैट्स पॉसिबल, ओके एंड हो सकता है कि वो आपको वेकेशन पे या हनीमून पे या कहीं पे भी घूमने ले जाना चाहते हो, या कहीं पे भी जाना चाहते हो मैरिज के बाद या मैरिज से पहले, ठीक है, दे वांट टू टेक यू टू पेरिस, ओके वो आपको दुनिया दिखाना चाहते हैं, ओके दिस इज सो स्वीट, सो या ओके दिस इज पीकॉक,
पीकॉक का मतलब होता है कि वो एक यू नो आपकी लाइफ में अगर अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ हो, ठीक है, इन पास्ट, वो सब कुछ हटाना चाहते हैं. अगर आपने पीकॉक के पंख देखे, उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, राइट, वो सारे कलर्स आपकी लाइफ में फील करना चाहते हैं वो. ओके ओके, अगेन स्टार, ऑब्वियसली यहाँ पे दो स्टार है, इसका मतलब आप उनकी होप हो, वो आपकी होप है. ओके एंड वॉट, ओके, दिस इज अ लीफ, वो आपको कहीं घुमाने ले जाना चाहते हैं, नेचर, जहाँ पे यू नो नेचर के साथ यू नो अलाइंड होना चाहते हैं वो, इन द सेंस कि हो सकता है कि वो एनवायरमेंटलिस्ट हो, वो ऐसा कुछ काम करते हो जो नेचर से जुड़ा हुआ हो. ओके, वो आपको घुमाने ले जाना चाहते हैं नेचर में. एंड वॉट, सेम, ओके ओके, द नेक्स्ट इज बलून. जैसे आपने अगर फॉरेन कंट्रीज में देखा हो, वहाँ पे बलून्स पे लोग यू नो एडवेंचर करते हैं, ठीक है, हो सकता है उनको वो आपको बलून्स गिफ्ट करें, दैट्स पॉसिबल. जब वो आए आपसे मिलने के लिए 14 फरवरी को प्रपोज करने के लिए, दैट्स जस्ट अ चैनल मैसेज. ओके, वो आपको गिफ्ट करें बलून्स, आपको बलून्स का बहुत शौक होगा, हो सकता है, ठीक है, या आपको स्पेशल फील कराने के लिए, या फिर वो आउट ऑफ द कंट्री आपको ले जा सकते हैं घुमाने के लिए, उनको बलून्स पे एडवेंचर करने का बहुत शौक होगा, दैट्स पॉसिबल. ओके ओके, हाँ, अब आपके इनिशियल्स देख लेते हैं गाइस. एस हो सकता है उनके नाम में, ठीक है, अगर आप देख सकते हो. टी हो सकता है उनके नाम में. ओके, बी हो सकता है, एस हो सकता है, सी हो सकता है उनका लेटर उनके नाम में, एम हो सकता है, ए हो सकता है. ओके, दिस इज़ अ बीड. बीड का मतलब होता है कि वो आपको बहुत यू नो आपके साथ पीसफुल यू नो फील करते हैं, बहुत पीस आता है उनको जब वो आपके साथ होता है, ठीक है, उनको बहुत पीस लगता है, आप एक होमली पर्सन हो, ठीक है, आपके साथ उनको बहुत ही पीस लगता है, बहुत खुशी होती है जब आपके साथ होते हैं. ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग. इफ़ यू लाइक दिस फाइल, प्लीज़ हिट अ थम्स अप ऑन माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन. ओके, थैंक यू सो मच, बाय गाइस, लेट्स हिट अप टू फाइल नंबर 2. हे, वेलकम बैक फाइल नंबर 2. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. अब देखते हैं कि जिन्होंने भी ये ब्लू हार्ट्स चुना है, जिन्होंने भी, ओके, इसका मतलब होता है हीलिंग चल रही है, इसका मतलब होता है कि ब्लू उनका फेवरेट कलर हो सकता है, और आपके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुई होंगी जो मतलब वो उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, या जो भी हार्ड वर्ड्स, हार्श वर्ड्स. एंड प्लीज़ नोट दैट दिस कैन बी फॉर मैरिड पीपल एंड दिस कैन बी फॉर यू नो सिंगल एज वेल, ठीक है. अगर आपको लगता है कि दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट, यू कैन स्किप दिस वीडियो एंड सिलेक्ट अनदर पाइल. ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके गाइज, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक आपके बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, ठीक है. लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, आपका सनसाइन हो सकता है, उनका सनसाइन हो सकता है, ठीक है. इस कार्ड का मीनिंग ही यही है कि बहुत ही हार्श वर्ड्स हुए हैं, यू नो ब्लंट वर्ड्स हुए हैं आप दोनों के बीच में, जो झगड़ा लास्ट टाइम हुआ होगा, या फिर यू नो अब्यूजिव तरीके से बात हुई है, इन द सेंस कि गाली देना, मारना, पीटना. दिस कैन बी फॉर मैरिड पीपल एज वेल, दिस कैन बी फॉर सिंगल्स, ठीक है. और गंदी तरीके से ब्रेकअप कर लेना, ठीक है, दिस हैज़ हैपेंड, ठीक है. हो सकता है कि उन्होंने आपका सब कुछ छीन लिया हो, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ लॉसेस एज वेल, ठीक है. बहुत सारी यू नो ब्लंट बातें हुई, बहुत सारा यू नो गलत बातें हुई, ठीक है, उन्होंने आपका कुछ छीना है. मुझे नहीं पता, आप मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता सकते हो उन्होंने आपका क्या छीना. हो सकता है कि उन्होंने यू नो अपने फ़ायदे के लिए आपके साथ कुछ गलत किया हो, ठीक है, समथिंग दे डिड very bad to you, okay, and they wanted to say that you know it's like they won this battle, ठीक है, उन्होंने ये झगड़ा तो जीत लिया है, but अगर आप देख सकते हो तो वो मुड़ मुड़ के देख रहे हैं उन सबको,
वो सब हार के जा चुके हैं, मीन्स ये आप हो सकते हो पीछे, ठीक है, या एक थर्ड पार्टी भी हो सकता है, ठीक है, आप झगड़ के जा चुके हो, बट वो बंदा ऐसे सोच रहा है कि वो जीत चुका है, वो सारे बैटल्स तो जीत चुके हैं बट स्टिल वो हारा हुआ फील कर रहे हैं, ठीक है, अभी राइट नाउ प्रेजेंटली वो हारा हुआ फील कर रहे हैं। आपने उनको कट ऑफ कर दिया अपनी लाइफ से, आपने ब्लॉक कर दिया होगा, आप बात नहीं करना चाहते इस बंदे से, ठीक है, एंड आपने कट ऑफ कर दिया होगा, ठीक है, एंड वॉन्ट गाइस, अगर आप पीछे देख सकते हो जो क्लाउड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी हैं, वाटर है वो अप एंड डाउन है, उनकी लाइफ में बहुत उथल पुथल चल रही है, दे वॉन्ट टू अपोलोजाइज थ्रू दिस कार्ड, ठीक है, इस कार्ड से वो अपोलोजाइज भी फील करते होंगे, ठीक है, आपके साथ जो उन्होंने किया वो बहुत बुरा किया जो उनको नहीं करना चाहिए था, ठीक है, एंड इसमें डिसेप्शन का भी कार्ड है, इन्होंने आपको धोखा दिया होगा किसी थर्ड पर्सन के लिए, ऐसा हो सकता है, दैट्स पॉसिबल, ओके, सो दे आर वेरी क्लाउडी, बहुत क्लाउडी हैं वो अभी राइट नाउ, ठीक है, एंड वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है, बहुत इमोशनल है, वाटर इज़ लाइक अप एंड डाउन, तो वो बहुत इमोशनल है, वो रो रहे हैं, आपको याद करके रोते हैं, आपके सिचुएशन जो ऐसा बना, एक रिलेशनशिप जो चल नहीं पाया उसके बारे में सोच के रोते हैं, उनको बहुत बुरा लगता है कि जो भी हुआ वो गलत हुआ, ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग, लेट्स हेड्स अप विद द चार्म्स, ओके, ओके, दिस इज़ अ स्पेक्स, वो स्पेक्स पहनते होंगे, उनको गॉगल्स का बहुत शौक होगा, उनको ग्लासेस का बहुत शौक होगा, डिफरेंट कलर्स के ग्लासेस पहनना, ओके, एंड वॉट they are heavily watching you, वो आपको देखते रहते हैं, ओके, देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे, हो सकता है कि आप कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है कि आप कोई वीडियोज़ बनाते हो सकता है कि आप इन्फ्लुएंस करते हो सकता है आप मॉडल हो इंस्टाग्राम पे, हो सकता है आप टिकटॉक पे कुछ करते हो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, ओके, सो दे आर हैविली वॉचिंग यू, वो आपको देखते रहते हैं 24/7, आप जो भी करते रहते हो सकता है आप फेसबुक में अपनी पिक्चर्स अपडेट करते हो, ठीक है, ओके, दे आर वॉचिंग यू, वो देखते रहते हैं आप क्या कर रहे हो, वॉट यू आर अप टू, ओके, उनको म्यूजिक का बहुत शौक होगा, वो गिटारिस्ट भी हो सकते हैं, वो म्यूजिक से रिलेटेड कोई काम करते होंगे, ओके, उनको यू नो गानों का बहुत शौक होगा, वो म्यूजिक इंडस्ट्री से भी हो सकते हैं, दैट्स पॉसिबल, ओके, वॉट एल्स, हो सकता है आप म्यूजिकली के थ्रू मिले हो सकता है कि आप टिकटॉक के थ्रू मिले हो, दैट्स पॉसिबल, एंड वॉट, उनको गाने सुनने का बहुत शौक होगा, आपको गाने सुनने का बहुत शौक होगा, आप एक सिंगर हो सकते हो, वो एक सिंगर हो सकते हैं, दैट्स पॉसिबल, ओके, एंड वॉट, दिस इज लाइक, हो सकता है आप ग्रेजुएशन के टाइम में एक दूसरे से मिले हो, दैट्स पॉसिबल कि ग्रेजुएशन के टाइम से, कॉलेज के टाइम से आप एक दूसरे को जानते हो, एंड इट एंडेड इन अ वेरी बैड फेस, ओके, ओके, हो सकता है आपका मैरिज एंड हो गया हो या आपका रिलेशनशिप एंड हो गया हो, ओके, थ्री, वो एक हैप्पी फैमिली चाहते थे आपसे, ठीक है, एक अच्छा लाइफ चाहते थे बट वो नहीं हो पाया, ओके, सो या टेक वॉट रेजिनेट विच डजन प्लीज लीव इट, ओके, एंड वॉट, या दिस इज ऑल्सो कार्ड ऑफ हैप्पी फैमिली, वो आपसे काफ़ी दूर रहते होंगे, दैट्स पॉसिबल, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, एनी वेयर, ओके, US, UK, लंडन, UAE, रशिया, कहीं पर भी, यू नो, कहीं पर भी दूर रहते होंगे वो, सो दिस इज यू नो प्लेन, ओके, दूर रहते होंगे आपसे, की है यहाँ पे, उनको पता है कि ये रिलेशनशिप मेंड नहीं हो सकता, ओके, ठीक नहीं हो सकता, बिकॉज दिस कैन बी एब्यूसिव रिलेशनशिप, दिस कैन बी समथिंग विच दे डिड, सम काइंड ऑफ डिसेप्शन दे डिड, उन्होंने आपका कुछ छीना है, मुझे नहीं पता क्या छीना, आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मुझे बताइएगा, ठीक है, दे के नॉट मेंड इट, दे के नॉट ओपन योर हार्ट नाउ, उनको पता है कि वो आपका हार्ट ओपन करके अब आपकी तरफ नहीं आ सकते, ओके, हार्ट, दे थिंक दैट उनको लगता है कि आप अब उन्हें कभी माफ नहीं करोगे, आप बहुत हर्ट हो, ओके, दैट्स वाई हार्ट केम, ओके, एंड वॉट,
उनको चेन्स पहनने का बहुत शौक होगा, गोल्ड के रिंग्स बहुत पसंद होंगे उनको, गोल्ड कलर का चेन, गोल्ड कलर के ब्रेसलेट्स, गोल्ड में गोल्ड की चीज़ें ज़्यादा पहनते होंगे, गोल्ड, या दे लव गोल्ड, हो सकता है उनको गोल्ड का शौक हो सकता है आप दिसंबर में पैदा हुए, हो सकता है वो दिसंबर में पैदा हो, दैट्स पॉसिबल, ठीक है, या आप दिसंबर में मिले हो क्रिसमस के टाइम पे, दैट्स पॉसिबल, ओके। ओके गाइस, इसको डिफरेंट तरीके से वी कैन टेक इट। एट्थ को आपका बर्थडे हो सकता है, हो सकता है आपका बर्थडे एट्थ को आता हो सकता है आपका बर्थडे सेवेंथ को आता हो, एट्थ मंथ में आप पैदा हुए होंगे या सेवेंथ मंथ में आपका बर्थ हुआ होगा, ओके। एंड व्हाट, उनके नाम में ओ हो सकता है इनिशियल्स में, जेड हो सकता है, जेवियर हो सकता है, एन हो सकता है, नितिन हो सकता है, वी हो सकता है, वरुण हो सकता है, वनराज हो सकता है, एच हो सकता है, हिमेश हो सकता है, ओके। सो दिस इज योर रीडिंग, इफ यू लाइक दिस फाइल, इफ दिस रेजोनेटेड विद यू, प्लीज हिट द थम्स अप ऑन माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, थैंक यू सो मच, बाय। लेट्स हिट अप विद पाइल नंबर 3। हे, वेलकम बैक पाइल नंबर 3, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आपका जो यू नो जिन्होंने भी ये स्टार चूज़ किया था, इसका मतलब है कि आप उनकी होप हो, वो आपकी होप है, वो आपको एक स्टार की तरह देखते हैं, ठीक है। ऑलराइट, व्हाट इज़ योर कार्ड? ओके गाइस, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, आपका सनसाइन, उनका सनसाइन हो सकता है, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इज़ लाइक अ मॉम, ओके, इट्स लाइक अ मदर, मदरली फिगर, अ वाइफ मटीरियल, ठीक है, समबडी हु इज़ इन अ रिलेशनशिप विद देयर वाइफ और somebody who has a mother, very controlling women, एक बहुत ही ज़्यादा controlling lady जो उनको control करते हैं, ठीक है। And वो आपसे क्या कहना चाहते हैं? They wanted to say that they have broken your relationship, ठीक है, because of this person, इनकी वजह से उन्होंने आपका relationship तोड़ दिया है। It can be their mother, it can be their wife, it can be their family members, this can be their best friend or somebody who is working with them in office, it can be some third party, okay? Take what resonates, which doesn't, please leave it, okay? ये नहीं चाहते आप उनके साथ union में आए, ठीक है? And ये बहुत बड़ा third party influence है आपके relationship में, and this person is very independent. This person can be working, have their own business, ठीक है। So इन्होंने अपनी clear boundaries रखी हुई हैं, ठीक है, इस boundary से बाहर आप नहीं जा सकते। This can be their mother, this can be their wife, okay? जो यहाँ पे आपका picture में आप देख सकते हैं, यहाँ पे butterflies हैं। I'll show you. इस picture में यहाँ पे butterflies हैं, ठीक है। बटरफ्लाइज का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, आपका जो पर्सन है वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ पॉसिबल दैट दे आर मैरिड, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है, मैरिड बंदा हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आपको इन्होंने बताया नहीं हो, झूठ बोला हो कि वो मैरिड नहीं है, ठीक है, और आपने इनका ये ट्रुथ पकड़ लिया हो, ठीक है। या हो सकता है कि इन्होंने आपको कुछ चीट किया हो किसी के बारे में, थर्ड पार्टी पर्सन भी हो सकता है ये, ठीक है, या आपने पता कर लिया हो कि इनकी मदर को आपका रिलेशनशिप नहीं पसंद है। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे फ़ोन में जगह नहीं है तो मेरा कैमरा बंद हो रहा है, आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे अगर विंडी है, बहुत ज़्यादा क्लाउडी है, चीज़ें बहुत क्लाउडी हो गई आपके बीच में, हो सकता है कि एक बेबी भी हो इनका, इफ़ यू कैन सी इन दिस पिक्चर, एक छोटा सा बच्चा है यहाँ पे, ऐसा हो सकता है। अगर मैरिड हैं तो, उनकी वाइफ हैं तो एक बेबी भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है ये। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इज लाइक वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन, ये बहुत स्ट्रिक्ट भी हो सकता है, इट्स पॉसिबल, ठीक है। अब सॉरी गाइस, मेरा कैमरा बंद हो गया था बिकॉज मेरे फ़ोन में यू नो जगह नहीं है, तो मैं जल्दी जल्दी ये रीडिंग्स ख़त्म करना चाहती हूँ बिकॉज माई फ़ोन डजंट हैव दैट मच स्पेस, ओके। अगर आप पीछे देख सकते हो, बहुत विंडी है, बहुत क्लाउडी है, ठीक है। एंड दैट ये इसीलिए है क्योंकि चेंज आने वाला है, देर आर लॉट ऑफ चेंजेस दैट केम इन टू देयर लाइफ, ठीक है। दे हैव ब्रोकन योर ट्रस्ट, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ लाइक वेरी ब्लंट, वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है।
वो अपनी बात आगे रखते हैं, ठीक है, उनका कहना मानना पड़ेगा उनको, नहीं माने तो फिर यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच कैन गो बियॉन्ड दैट, ठीक है. सो वो इन्होंने उनका सुना एंड आपसे रिलेशनशिप तोड़ा या आपने उनसे रिलेशनशिप तोड़ा मुझे नहीं पता, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता सकते हो. व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपका टाइम चेंज होने वाला है गाइस, ठीक है. आप ये ना सोचे, स्टक मत होइए किसी के साथ भी. डोंट गेट स्टक विथ एनी वन हु स्पॉइल्ड योर लाइफ, हु चीटेड ऑन यू, हु बिट्रेड यू, ठीक है. रुकिए मत, आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून व्हील घूमने वाला है, आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया होने वाला है, ठीक है. सो बी पॉजिटिव. आपका सनसाइन सैजिटेरियस हो सकता है, उनका सनसाइन सैजिटेरियस हो सकता है, लीब्रा भी हो सकता है, ओके. आपका सनसाइन स्कॉर्पियो हो सकता है, उनका सनसाइन स्कॉर्पियो हो सकता है, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे डेफिनेटली बताइएगा, ठीक है. आपका सनसाइन कैप्रिकॉर्न हो सकता है, उनका सनसाइन कैप्रिकॉर्न हो सकता है, वी कैन सी दिस, ओके. ड्रीम बिग, ओके. अपने ड्रीम्स को कभी इन सब चीज़ों में पड़े रहने मत देना, ठीक है. हमेशा अपने ड्रीम्स को अप रखना, ठीक है. अपने गोल्स पे ध्यान देना रैदर देन रनिंग आफ्टर पीपल, लोगों के पीछे भागने से पहले अपने ड्रीम्स पे, पहले तो नहीं, लोगों के पीछे भागिए ही मत. फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ड्रीम्स पे काम कीजिए, अपने गोल्स पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए. ये लोग आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, बट यू आर दी ओनली वन, आप अकेले रह जाओगे, ठीक है. तो आपको अपने ड्रीम्स पे काम करना है, अपनी चीजों पे काम करना है, ओके. दैट इज अ मैसेज, ओके. हो सकता है कि आप आउट ऑफ इंडिया चले जाए, दैट्स पॉसिबल. हो सकता है कि आप एक वैकेशन ले लें, ओके. आप एक वैकेशन ले लें पेरिस पे, ओके, दैट्स पॉसिबल. हो सकता है कि आप किसी इंटरनेशनल कंपनी में काम करते हो, आपको वहां से भेज दे वो, ठीक है. यू आर वेरी इंडिपेंडेंट, यू माइट बी अ टीचर, यू माइट बी अ पायलट, यू कैन बी अ यू नो फ्लाइट स्टीवर्ड, एनीथिंग, ठीक है. आप इंडिपेंडेंट हो, आप अपने काम करते हो, ठीक है, अपनी चीजों पे ध्यान देते हो, किसी से हेल्प नहीं लेते आप, ओके. हार्ट, योर हार्ट इज, आपका हार्ट बहुत बड़ा है, ओके, बहुत अच्छा है. यू आर वेरी गुड हार्टेड पर्सन. स्टम्प, आपको क्रिकेट देखने का शौक होगा, हो सकता है कि आपके पर्सन को क्रिकेट का बहुत शौक हो, वो क्रिकेट वॉच करते हो या क्रिकेट में इंटरेस्टेड हो या वो बहुत ज़्यादा खेलते हो क्रिकेट. हैप्पी फैमिली लाइफ, आपकी लाइफ में आपको एक हैप्पी फैमिली लाइफ इन फ्यूचर मिलेगा, अगर आपको इनसे नहीं मिला तो, ओके. ऑब्वियसली अ ब्लेड, आपके बीच में बहुत शार्प बातें हुई, बहुत ब्लंट बातें हुई जो आपको बहुत हर्ट कर दिया. हो सकता है कि उन्होंने आप पे हाथ उठाया, हो सकता है उन्होंने आपको गाली दी हो, दैट इज पॉसिबल, ओके. टेक व्हाट रेजोनेट, व्हिच डजंट, प्लीज लीव इट, ओके. आपकी लाइफ में कोई न्यू आने वाला है, समबडी न्यू इज कमिंग इनटू योर लाइफ, ठीक है. ये सब एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं गाइस, ठीक है, जो मुझे एनर्जीज के थ्रू मिल रहा है, जो मैं आता जाएगा मैं बताती जाऊंगी, ठीक है. आपकी लाइफ में कोई न्यू इंसान आएगा जो आपको सब कुछ वो प्रोवाइड करेगा जो आप डिजर्व करते हैं, ठीक है. आप शायद कुछ पढ़ने जाएं फॉरेन में, आउट ऑफ इंडिया, आप शायद कुछ पढ़ रहे हो, आपको वो कॉलेज में मिल सकते हैं, ग्रेजुएशन में हो अगर आप, आपको वहाँ मिल सकते हैं आपका न्यू पार्टनर, ओके. एट वॉट, पिजन, यू आर लाइक अ पिजन, वेरी फ्री, ठीक है. आप बहुत फ्री हो, फ्री स्पिरिटेड हो, ओके. ईगल, नाउ आफ्टर यू कम आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप यू विल बी लाइक एन ईगल, ओके. आप एक ईगल की तरह हो जाओगे, ठीक है. वेरी शार्प, कितनी ऊंचाइयों पे उड़ता है ईगल, अगर आपने देखा हो कितनी ऊंचाइयों पे उड़ते हैं वो, उतनी ऊंचाइयों पे आप उड़ोगे, आपको लाइफ में सब कुछ मिलेगा. अगर आप एक अब्यूजिव मैरिज में थे, उससे निकल के आप ऊंचाइयों पे उड़ोगे, अपने गोल्स को एकम्प्लिश करोगे, आप फ्री हो जाओ. आई एम सॉरी गाइस, माय कैमरा इज गेटिंग शट डाउन अगेन एंड अगेन, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. जिससे भी आप मिलेंगे वो आपको एक पेंडेंट गिफ्ट करेंगे, न्यू पर्सन, यू विल गो ऑन वेकेशंस विद दैट पर्सन. आप वेकेशंस पे जाओगे, उनके साथ बहुत सारी मस्ती करोगे, ओके, एक दूसरे के साथ. नाइन्थ को आपका बर्थडे होगा, जिससे भी आप मिलने वाले हो उनका बर्थडे 9th हो सकता है, ठीक है. 9th मंथ में आप पैदा हुए हो, सितंबर में, वो सितंबर में पैदा हुए हो, ठीक है, दैट्स पॉसिबल.
जे उनका नाम हो सकता है, जे उनके लेटर में आ सकता है, जे दो बार है सो जे वुड बी प्रोमिनेंट, जो जो हो सकता है उनका नाम मेरी तरह। हाय बी, बी हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, पी हो सकता है उनके इनिशियल्स में। सो दीज आर योर इनिशियल्स, दीज आर योर चार्म्स। इफ यू लाइक दिस फाइल प्लीज हेड्स अप अ थम्स अप ऑन माय वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, थैंक यू सो मच। लेट्स हेड्स अप टू फाइल नंबर 4। हाय वेलकम बैक फाइल नंबर 4, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आपका जो पर्सन होगा उनको क्रिकेट का बहुत शौक है, दिस इज अ स्टम्प जिन्होंने भी ये चूज किया था, उनको क्रिकेट का बहुत शौक होगा, वो क्रिकेट बहुत वॉच करते होंगे, वो उनको पसंद होगा क्रिकेट खेलना, दैट्स पॉसिबल। आपके में दो कार्ड्स आए हैं, बाकी तीन पैल्स में दो कार्ड्स नहीं थे। ओके, सो योर फर्स्ट कार्ड इज 3 of Swords एंड सेकेंड कार्ड इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आप अगर देख पा रहे हैं, ओके गाइस, दीज आर द टू कार्ड्स, ठीक है। एंड आपका जो पर्सन है वो 25 ईयर तक का हो सकता है, वो आपको क्या बोलना चाहते हैं, व्हाट दे वांटेड टू से, ठीक है। वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि वो अपने पास्ट रिलेशन, वो किसी मैरिड रिलेशनशिप में है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। एंड द सिंगल पीपल हु थिंक दैट दिस इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट करेक्ट, यू कैन स्किप दिस वीडियो राइट अवे राइट नाउ, ठीक है। वहाँ मेरे पास 4 पाइल्स हैं, उन 3 पाइल्स में से आप, ओके गाइस, 3 of Swords इज लाइक कोई भी, मतलब एक आपका जो पर्सन है वो डिवोर्स से गुजर रहे होंगे, दैट्स पॉसिबल, एक हार्ट ब्रेक से गुजर रहे होंगे, उनके पास्ट रिलेशनशिप ने उनको चीट किया होगा, ठीक है, उनको बैक स्टैप किया होगा, उनके पीठ पे छुरा खोपा होगा, ठीक है। वो किसी और से बात कर रहे होंगे, दैट्स पॉसिबल, ठीक है। वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में होंगे, ठीक है, इन्होंने उनको पकड़ लिया होगा, दे वुड हैव कैच देम अप, ओके, दैट्स पॉसिबल, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, मैन ओवर 25 ईयर्स, 25 से 35 उनकी एज हो सकती है, 35 से 40 भी हो सकती है, दैट्स पॉसिबल, ठीक है। एंड वॉट, उनका डिवोर्स चल रहा होगा, इफ़ इट इज़ फॉर मैरिड, इफ़ दिस इज़ फॉर सिंगल्स, वो पास्ट रिलेशनशिप से, एक चीटेड रिलेशनशिप से आ रहे होंगे, उनकी लाइफ में बहुत क्लाउडी हो रहा होगा, मतलब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, दे If you see in the picture in the up there, if you can see up there, बहुत सारे लोग मतलब उनको वो बहुत cloudy होंगे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, बहुत rainy day होगा, ठीक है। हो सकता है कि वो बारिश के मौसम में मिले, बहुत rainy, मतलब वो बहुत emotional होंगे, if you can see it's raining, okay, they would be very emotional, they would be crying, ठीक है, over the past relationship, ठीक है, but ठीक है, जब वो आपसे मिलेंगे, ठीक है, जब वो आपसे मिलेंगे तो वो बहुत पावरफुल हो जाएंगे, ठीक है, वो बहुत पावरफुल होंगे, ठीक है, वो उस डिवोर्स से, उस पास्ट रिलेशनशिप से निकल रहे होंगे, वो बहुत इंट्यूटिव होंगे, ठीक है, एंड वो आपको बताएंगे, ठीक है, कि उनके साथ जो भी हुआ वो आपको बताएंगे कि ऐसा ऐसा हुआ एंड व्हाटएवर हैपेंड, ठीक है। वो आपके साथ यूनियन में आएंगे, दिस पर्सन विल कम इन टू यूनियन, ठीक है। एंड वॉट, वो आपको अपने डिसीजंस लेने का हक देंगे, स्वॉर्ड्स आर लाइक जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ठीक है, उनका सनसाइन हो सकता है, आपका सनसाइन हो सकता है, प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स, व्हिच डजंट प्लीज लीव इट, ओके। एंड वॉट, उनका जो ड्रेस है ग्रीन कलर का, ठीक है, वो डिनोट करता है डिज़ायर फॉर स्पिरिचुअलिटी, वो स्पिरिचुअलिटी में आना चाहते हैं, हो सकता है वो एक लाइट वर्कर में काम करना चाहते हैं, हो सकता है आप एक लाइट वर्कर हो, दैट्स पॉसिबल, ओके। वो बहुत इंटेलेक्चुअल डिसीजंस लेते होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, ब्रिलियंट होंगे वो, ठीक है। वो आपको बताएंगे कि वो एक पास्ट रिलेशनशिप में थे, वो एक डिवोर्स से गुजर रहे थे, हो सकता है उनको आप लोग फ्रेंड्स हो, उन्होंने आपको नहीं बताया हो, बट वो आपको बताएंगे, ठीक है। वो डिप्रेशन में होंगे, उनको लॉस फील हो रहा होगा, आप उनको संभालोगे, ठीक है। ये एक ऐसा पाइल है जिसमें वो ये बताना चाहते हैं कि वो एक पार्टनरशिप में आना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ, क्योंकि उनको कंपैशन दिखता है, उनको लगता है आप भी इंटेलिजेंट हो, वो भी इंटेलिजेंट है, ओके। एंड व्हाट, दे थिंक दैट यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू आर वेरी ब्लंट, ठीक है, यू हैव क्लैरिटी,
आपके पास क्लैरिटी है. अगर आप बैक साइड ऑफ द पिक्चर देखो, सारे क्लाउड्स थमे हुए हैं. दे आर नॉट वॉन्डरिंग हियर एंड देयर. सारे क्लाउड्स थमे हुए हैं. आप उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी ला सकते हो, उनको पता है. ओके, विंडी नहीं है, हवाएं नहीं चल रही कोई, विंडी नहीं है आपका रिलेशनशिप. इसकी तरह आपका रिलेशनशिप स्टेबल है. यू नो इट्स नॉट स्टैगनेंट, इट्स स्टेबल. ठीक है, यहाँ पे रिलेशनशिप स्टैगनेंट था, चीटिंग था, डिसेप्शन था, लाई था. ओके, झूठ बोला गया. ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, इट्स नॉट दैट. ठीक है, अगर आप बैक ऑफ द पिक्चर देख सको, एवरीथिंग इज वेरी क्लियर. ठीक है, उनको वो क्लैरिटी आएगी आपके साथ. उनको पता है आप उनको एक्सेप्ट करोगे, उनको पता है आप उनको एक सेकेंड चांस दोगे. अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे और इन्होंने आपका दिल तोड़ा, मुझे नहीं पता, आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइए. दे नो दैट यू आर वेरी ब्यूटीफुल. ठीक है, यू आर सिटिंग ऑन योर थ्रोन, दिस कैन बी योर एनर्जी एज वेल. ठीक है, एंड वॉट, जो मून एंड एंजल है पीछे, अगर आप देख सकते हो, यहाँ पे एंजल्स हैं, मून है यहाँ पे. ठीक है, बटरफ्लाई है. ठीक है, क्या डिनोट करता है ये? ठीक है, ये डिनोट करता है कि मून एंजल्स, ठीक है, उनको गाइड कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए. ठीक है, एंड व्हाट, यूनिवर्स उनको गाइड कर रहा है दैट यू आर द वन फॉर देम. यूनिवर्स उनको बताएगा कि आप ही उन्हीं के सब कुछ हो. ठीक है, एंड क्लाउड्स जो हैं वो सेटल हो गए हैं. अगर आप, मैंने पहले भी बताया, वो क्लाउड सेटल हो चुके हैं. ये डिवोर्स सेटल हो चुका होगा, ये डिवोर्स अभी चल रहा होगा, दैट्स पॉसिबल. ठीक है, 3 महीने में ये ख़त्म होने वाला होगा, दैट्स पॉसिबल, दैट्स जस्ट एन अजम्पशन. ओके, 3 मंथ्स में ये ख़त्म होने वाला होगा, 3 वीक्स में ख़त्म होने वाला होगा ये रिलेशनशिप, दैट्स पॉसिबल. ओके, एंड पास्ट रिलेशनशिप का एंड हो रहा होगा ये. ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है ये. ये एक रिलेशनशिप में होंगे और उनको छोड़ रहे होंगे. उनके साथ इनका टिफ और इनके साथ अब्यूजिव रिलेशनशिप और एनीथिंग विच इज़ नॉट गुड, विच इज़ फिशी, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, एंड व्हाट, विंड हैज़ डाइड डाउन. ठीक है, विंड हैज़ डाइड डाउन. अगर आप देख सकते हो, विंडी नहीं है. ठीक है, स्टेबिलिटी आएगी आप दोनों के रिलेशनशिप में, क्लैरिटी आएगी एक दूसरे के प्रति. ठीक है, कन्फ्यूजन्स नहीं रहेंगे, देयर विल बी नो कन्फ्यूजन्स. ठीक है, सो यू वुड बी स्वीपिंग अवे ऑल योर सोरोस, ऑल योर प्रॉब्लम्स विद दिस पर्सन. ठीक है, दिस इज योर रीडिंग. आई एम नाउ हेडिंग टूवर्ड्स चार्म्स. तो चार्म्स देख लेते हैं. सबसे पहला चार्म है द लीफ, द बिगेस्ट चार्म आई हैव गॉट. लीफ का मतलब होता है वो आपके साथ घूमना चाहते हैं, कहीं पे आपको नेचर में घुमाना चाहते हैं. लीफ, अगेन लीफ. ओके, टीपॉट, टीपॉट का मतलब होता है वाइनिंग एंड डाइनिंग करना चाहते हैं. अगर आप उनके साथ एक मैरिज में, सेकंड मैरिज, उनकी सेकंड मैरिज हो या आपकी, दिस एनर्जी कैन बी वाइस वर्सा. ओके, ये हो सकता है कि आपका डिवोर्स हो रहा हो, दैट इज़ पॉसिबल. ठीक है, आप अपने थर्ड पार्टी को छोड़ के इनके पास आ रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. ठीक है, अगर कोई लड़का देख रहा है तो, या लड़की देख रही हो तो. ओके, दे वॉन्ट टू डू अ वाइनिंग एंड डाइनिंग विद यू. मैरिज के बाद वो आपके लिए कुक करना चाहते हैं, आपके लिए यू नो टी बनाना चाहते हैं, आपको सर्व करना चाहते हैं. हो सकता है कि वो किसी होटल मैनेजमेंट का कोर्स करा हो उन्होंने. ठीक है, दैट्स पॉसिबल. वन ऑफ माई फ्रेंड इज अ होटल मैनेजमेंट कोर्स, उन्होंने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है. मेरे ऑफिस में ही मेरे साथ काम करते थे और मैंने भी ये होटल मैनेजमेंट के लिए फिल किया था. मेरा क्लियर हो गया था बट मैं जा नहीं पाई. ओके, बिकॉज ऑफ सम रीजंस. ओके, सो वो होटल मैनेजमेंट में हो सकते हैं, होटल के काम करते हो, फूड से रिलेटेड किसी चीज़ में काम करते हो, फूड में इंडल्ज होना एंड ऑल दैट, यू नो समथिंग लाइक दैट. ओके, दिस इज अ आई मास्क. ठीक है, पार्टीज में आपने देखा होगा, दिस इज फॉर एक्चुअली वो आपको वॉच करते हैं, दे वॉचिंग यू, दे हैविली वॉचिंग यू ऑन सोशल मीडिया साइट्स, वेदर इट बी टिकटॉक, वेदर इट बी इंस्टाग्राम, वेदर इट बी फेसबुक, वेदर इट बी एनी सोशल मीडिया साइट्स. ठीक है, वेदर इट बी यूट्यूब, इफ यू आर अ यूट्यूबियन, दे आर वॉचिंग यू, दे आर वॉचिंग यू हैविली. वो आपको देखते रहते हैं, आपका काम देखते हैं, आपको कॉमेंट करते हैं, आपको लाइक करते हैं या व्हाटएवर. ठीक है, दे आर वॉचिंग यू, देखते रहते हैं वो आपको.
वो कोस्टल एरिया से हो सकते हैं, दैट्स पॉसिबल, ठीक है, जहाँ पे सी बीचेस होते हैं वहाँ से हो सकते हैं वो, ठीक है. कोस्टल एरिया उनको बहुत पसंद होगा, बीचेस बहुत पसंद होगी, जैसे मुझे बीच बहुत पसंद है, उनको बीचेस बहुत पसंद, आपको बीच बहुत पसंद होगा, बीचेस पे क्वालिटी टाइम स्पेंड करना आपको पसंद होगा, ठीक है. एंड वॉट, फिर से आ गया वाइनिंग एंड डाइनिंग. डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू लॉट ऑफ वाइनिंग एंड डाइनिंग विद दिस पर्सन. दारू पीना चाहते हैं वो आपके साथ, एंड डिफरेंट टाइप के दारू पीना चाहते हैं. ओके, थंडरस्टॉर्म. थंडरस्टॉर्म का मतलब होता है डेफिनेटली उनकी लाइफ में चेंजेस आ रहा होगा. आप अगर डिवोर्स ले रहे हो तो आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहा होगा. सो थंडरस्टॉर्म हो सकता है कि बारिश के मौसम में आप मिले, दैट्स पॉसिबल. ओके, आपको रेड, वाइट, रेड आ गया मेरे मुंह से, तो हो सकता है आपको रोजेस बहुत पसंद हो. ओके, हो सकता है कि आपको लिलीज बहुत पसंद हो, यू लाइक लिलीज. ओके, वाइट कलर फ्लावर्स आपको बहुत पसंद होगी, उनको बहुत पसंद होगा, दैट्स पॉसिबल. ओके, एंड व्हाट, यू हैव द की टू देयर हार्ट. ओके, आपका हार्ट का की उनके पास है, सो यू कैन ओपन इट, यू कैन, यू नो, यू कैन एम्ब्रेस दैट रिलेशनशिप, डेफिनेटली. ओके, अगेन की. ओके, फिश. फिश इज ऑल अबाउट प्रेगनेंसी. इफ यू मीट दिस पर्सन यू कैन गेट प्रेगनेंट वेरी सून. ओके, प्रेगनेंसी आ सकता है इसके, इनके साथ. ओके, एंड वॉट, आपके अगर साथ इनका मैरिज होता है, ओके, आपका प्रेगनेंसी बहुत जल्दी आएगा, इट बी वेरी सून. ओके, विद इन टू मंथ्स, दैट्स जस्ट अ चैनल मैसेज. ओके, फिश. फिश का जो क्या बोलते हैं उसको, व्हाट यू कॉल दिस, फिश का जो, यू नो, फिश के मरने के बाद जो उसका वो होता है, तो उनको फिश खाने का बहुत शौक होगा. हो सकता है वो बंगाली हो, दैट्स पॉसिबल. ठीक है, आपको फिश खाने का बहुत शौक हो सकता है वो नॉन वेजिटेरियन हो, आप नॉन वेजिटेरियन हो, दैट्स पॉसिबल. ओके, एंड वॉट, आप वेजिटेरियन हो सकते हो इसके साथ. ठीक है, दिस इज लीफ, पत्ते, झाड़, झाड़, पत्ते सब खाने का आपको शौक होगा, सो इट मीन्स दैट यू आर अ वेजिटेरियन और दे आर अ नॉन वेजिटेरियन, समथिंग लाइक दैट. अगेन फिश, आपके दो बच्चे होंगे, एक बेटा और एक बेटी, दैट्स अ चैनल मैसेज. ओके, दे वॉन्ट टू गिव यू दिस पेंडेंट. पेंडेंट का मतलब होता है दे वॉन्ट टू गिव यू अ मंगल सूत्र, दे वॉन्ट टू गेट मैरिड टू यू, दे वॉन्ट टू गिफ्ट यू समथिंग विच इज इन गोल्ड. ओके, एंड वॉट, हैप्पी फैमिली लाइफ. टू ट्रीज आर देयर, डेफिनेटली आप दो घर खरीदोगे. ठीक है, इनके साथ जब यूनियन में आओगे आप दो घर खरीदोगे इनके साथ, डेफिनेटली दैट्स पॉसिबल. ओके, की आ गया उसी के बाद में ही, तो डेफिनेटली, और दो तीन की हैं यहाँ पे मेरे पास, डेफिनेटली आप दो तीन घर खरीदोगे इनके साथ. ओके, एंड वॉट, लीफ अगेन, यू विल, यू नो, रोम अराउंड हियर एंड देयर. हो सकता है आप US चले जाएं घूमने के लिए, दैट्स पॉसिबल, दैट्स जस्ट अ चैनल मैसेज. दिस पर्सन वुड बी ब्लंट. ओके, सो प्लीज नोट दैट, ये बंदा जो होगा ये बहुत ब्लंट होगा, ये आपको पहले से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. ठीक है, अगर आपको ब्लंट बातें पसंद नहीं है सुनने की, सुनना पड़ेगा आपको. ठीक है, दे विल बी वेरी स्ट्रिक्ट, दे विल बी, यू नो, क्लियर होंगे, वो झूठ नहीं बोलते होंगे, उनको झूठ बोलने वाले लोग पसंद नहीं है, दे डोंट लाइक झूठे लोग. ओके, सो आप उनसे कभी झूठ मत बोलना, उनसे सच बोलना. कोई भी गलती हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, उनको सच बोलना, उनको सच बोलने वाले लोग अच्छे लगते हैं. ओके, दिस इज ऑल्सो पेंडेंट, दे विल गिफ्ट यू लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, मैरिज के बाद, मैरिज से पहले, दैट्स पॉसिबल. दे वॉन्ट टू स्पॉइल यू गाइज. ओके, दिस इज एलिफेंट. एलिफेंट का मतलब होता है विशाल. दे नो द पोटेंशियल ऑफ योर रिलेशनशिप. यू बोथ आर हियर, सो यू बोथ नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रिलेशनशिप. ओके, एंड वॉट दे वॉन्ट टू से, वॉट दे वॉन्ट टू से, उनको केज में रहना पसंद नहीं है. दे डोंट लाइक टू केज अप. ओके, आप उनको केज नहीं कर सकते, बांध के नहीं रख सकते आप उनको. ठीक है, आपको उनको फ्रीडम देना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में, आपको भी वो पूरा पूरा फ्रीडम देंगे. ठीक है, बट आप उनको बांधने की कोशिश ना कीजिएगा. वो कभी भी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यू कैन नॉट, आप उनको बांध नहीं सकते. आई नो लॉट ऑफ पीपल लिब्रा, माई सिस्टर इज ऑल्सो लिब्रा, सो आप उनको बांध नहीं सकते. दे आर वेरी इंडिपेंडेंट. आप भी बहुत इंडिपेंडेंट हो सकते हैं. ओके, फर्स्ट को आपका बर्थडे आ सकता है. हो सकता है आप जनवरी में ही मिल जाए, दैट्स पॉसिबल, दैट्स जस्ट अ चैनल मैसेज. ओके, ओके, सिक्स. सिक्स
might be your birthday, their birthday. January would be your birthday, their birthday. 16 can be your birthday, their birthday. ठीक है, 16th को हो सकता है कि आपका बर्थडे आता हो. ठीक है, 6th मंथ में आप मिले, दैट्स पॉसिबल. हो सकता है आप जनवरी में मिल जाए, मैंने आपको पहले ही बताया था. पियर्ल, पियर्ल का मतलब होता है यू आर वेरी प्रीशियस टू देम. ओके, आप एक मोती की तरह हो. ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल परी की तरह हो. ठीक है, तो आपको मोती की तरह देखते हैं एंड वो इस मोती को यू नो एक डिब्बे में बंद करके अपने पास रख लेना चाहते हैं. ओके, दे डोंट वांट टू गिव यू टू somebody else. ओके, दे नो योर इम्पोर्टेंस. स्टार, दे वांट टू से दैट यू आर देयर स्टार. एंड या एंड व्हाट, यू से उनका नाम हो सकता है, सी सी उनके लेटर में आ सकता है, वी हो सकता है, डी हो, क्यू हो सकता है, दैट्स पॉसिबल, जे हो सकता है, बी हो सकता है, बी दो बार है, हो सकता है दे आर फ्रॉम बॉम्बे, एफ हो सकता है, एन हो सकता है, यू हो सकता है, डी हो सकता है, दिनेश हो सकता है, आर हो सकता है, रोहित, टी हो सकता है, यू हो सकता है, एस हो सकता है उनके नाम में, टी हो सकता है, के हो सकता है, वाई हो सकता है, आई हो सकता है. That's possible that their third party is watching you. That also possible. ठीक है, एक channel message है. Their third party is also watching you. If you do some live stream, if you do some you know video creations, they are continuously checking upon you. So आप please अपना ध्यान रखें. ठीक, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको watch करते रहते हैं. S उनके नाम में हो सकता है, G हो सकता है, S हो सकता है. And yeah, stay away from crooked people, definitely. That is a channel message. कोई crooked person आपको परेशान करने की कोशिश करे, आपकी life में issue create करने की कोशिश करे, तो उनसे बचें please. Just stay away from these kind of people, okay? And I'm very happy. This very good. You know, this went very good. This reading, I'm loving it. And other three piles are also there. You can check that out. ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये reading करके. So positive होने वाला है सब कुछ आपकी life में. ठीक है, आपसे resonate किया तो please heads up a thumbs up on my video and please subscribe to my channel and please टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन सो दैट आपको सारे अपडेट्स मेरे वीडियोस के मिलते रहें और आपके लिए मैं नए नए वीडियोस लेके आऊँ. ओके गाइस, आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर यू ऑल. ठीक है, थैंक यू सो मच, आई लव यू, टेक केयर, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.